नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हावड़ा और मुर्शिदाबाद के बाद रविवार को बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ नादिया में प्रदर्शन हुए। नादिया के रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने एक लोकल ट्रेन को निशाना बनाया। पुलिस ने बताया कि लोगों का एक समूह पैगंबर मोहम्मद के बारे में निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की कथित विवादास्पद टिप्पणी का विरोध कर रहा था। अधिकारी ने जानकारी दी कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी। जब पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ा तब उनमें से कुछ स्टेशन परिसर में आ गए और प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन पर पत्थर फेंकने लगे। पुलिस ने बताया कि इस हमले की वजह से लाल गोला लाइन पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। हमले की सूचना के बाद मौके पर जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हालांकि प्रदर्शनकारी फरार हो गए थे। इस घटना के बाद से जिले में तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं एक बार पुनः बोलता हूं और सारी राजनीतिक दलों से बोल रहा हूं, यहां समय अभी नहीं है कि आप राजनीतिक रोटियां सेको। आज भी भारत में जो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, जो हमारी जो एकता है, विविधता में होने, इतनी विविधता होने के बावजूद हमारे में एकता है, उसकी मिसाल दुनिया में दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूँ, देश को मत जलने दो, देश को मत जलाओ, देश को अलग अलग मन भेद में मत बांटो। लोगों के अंदर वैमनस्य और एक दूसरे के प्रति घृणा का वातावरण को आप और आगे मत बढ़ाओ। ये समय है देश को एकजुट करने का, ये समय है जो लगी हुई आग है उस पे पानी डालने का, ये आप उस आग में घी डालने का काम तुरंत बंद कर दो। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हावड़ा और मुर्शिदाबाद के रविवार को बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ नादिया में प्रदर्शन किए गए। नादिया के रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने एक लोकल ट्रेन को निशाना बनाया। पुलिस ने बताया कि लोगों का एक समूह पैगंबर मोहम्मद के बारे में निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की कथित विवादास्पद टिप्पणी का विरोध कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी। जब पुलिस ने उन्हें खदेड़ा तब उनमें से कुछ स्टेशन परिसर में आ गए और प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन पर पत्थर फेंकने लगे। पुलिस ने बताया कि इस हमले की वजह से लाल गोला लाइन पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। हमले की सूचना के बाद मौके पर जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही प्रदर्शनकारी फरार हो गए। इस घटना के बाद से जिले में तनाव का माहौल है। हालातों को देखते हुए जिला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये नादिया से ही आप तस्वीरें समय देख सकते हैं कि ट्रेन को किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने क्षतिग्रस्त किया है। सबसे पहले सड़क को जाम करने की कोशिश की गई, जब वहां से पुलिस कर्मियों ने उन्हें खदेड़ा तो वे स्टेशन परिसर में घुस आए और उसके बाद पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी में ट्रेन जो है क्षतिग्रस्त हुई है। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं टीएमसी के, और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजकुमार यादव जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजय जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये मैं तीसरे मसले पर आपसे चर्चा कर रही हूँ। अब आप ही बता दीजिए कि कानून व्यवस्था क्यों नहीं संभल पा रही है? जब हर जगह शांति हो गई है तो बंगाल में शांति क्यों नहीं हो पा रही है? जैसे आपने कहा कि हर जगह शांति हो गई है, कल भी गुजरात में सवाल हुआ है, ठीक है, लगातार अगर आप देख रहे हैं तो पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी वातावरण को लेकर के लगातार जहर बोला जा रहा है, कंटिन्यू कोशिश की जा रही है। पिछले 8 महीने का रिकॉर्ड उठाकर के देखो, हर महीने कोई ना कोई एक मुद्दा के सामने खड़ा किया जाए। नुपुर शर्मा के ऊपर एफ आई आर हुआ तो आज तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर उन्होंने एक विवादी टिप्पणी की तो उनके गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं, नवीन बिंदल के ऊपर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, न उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। लेकिन और दूसरे का आपको मिला के देखेंगे तो आप तुरंत वहां पर बुलडोजर चलता है, तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, तुरंत जो है उनका घर गिरा दिया जाता है। ये समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल ये है कि आप जो तरीके
तरीके से दो कानून दो आदमियों पे दो कानून नहीं चल सकते, दो समुदाय पे दो कानून नहीं चल सकते। आप एक साथ दोनों को अच्छा नहीं लगती, आप लोकेश शर्मा को गिरफ्तार करिए, माहौल अपने आप शांत हो जाएगा। आप क्यों गिरफ्तार करते हैं, किस किस लिए जो है कुछ रखा हुआ है, कौन सी ऐसी बात है कि आप इनके सिंगल सिंगल हरियाल दर्ज करके 26 मई से लेकर के आज 13 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक जो है हरियाल दर्ज है, लेकिन अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और यही वजह है कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से माहौल बिगड़ रहे ताकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सारी चीजों से इंसान का ध्यान हटा रहे और आने वाले चुनाव में आपको इसका फायदा मिले, यही एक कोशिश है। इसके अलावा कोई दूसरी कोशिश नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है, एक काम बता दो। राजकुमार जी, कौन सी साजिश रची जा रही है? सिर्फ लोगों को भड़काना है, दंगे भड़काने हैं, देश को दंगों की आग में झोंकना है, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है ताकि चुनाव आप जीत सके? देखिए, सबसे पहले तुम्हें धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आपने मुझे आज अवसर दिया। लेकिन आप बंगाल में देखिए कि बंगाल में दीदी की सरकार में और किस तरीके का जंगल राज है, कितने अमानवीय लोगों की हत्याएं हो रही है, न जाने कितने उग्रवादी उद्दंड जो इनकी सरकार में, इनकी पार्टी और संगठन में संरक्षित लोग हैं, विचारधारा के, वो उनको भड़काकर और बंगाल में इस तरीके का माहौल तैयार करना चाहते हैं कि आने वाले समय में भाजपा को किस तरीके से रोका जा सके। यह एक अलग बात है कि भाजपा को रोकना, चुनाव में आप आइए और लोकतंत्र की लड़ाई लड़िए, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में आज उग्रवादियों ने कल चलिए एक बार फिर से हम अपने मुद्दे का रुख करते हुए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बताइए राजकुमार जी, आप अपनी बात जारी रखिए। और आप कह रहे थे कि अब बीजेपी रुकेगी नहीं, बीजेपी कैसे नहीं रुकेगी सर? अभी हाल फिलहाल तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है नहीं कि इसलिए पश्चिम बंगाल को जलाने की साजिश की जा रही हो। देखिए, बंगाल को अगर कौन जला रहा है, बंगाल को वो लोग जला रहे हैं जो बंगाल में नित नई हिंसाएं चाहते हैं, जिससे उनको फायदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ना तो बंगाल में ना पूरे देश में इसका समर्थन करती है, ना आगाजनी का समर्थन करती है, ना दंगों का समर्थन करती है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, आपने देखा होगा कि अगर कहीं कोई नाकामी हुई है तो उस व्यक्ति को नापा गया है, और किसी ने भी उग्र तरीके से अगर कोई प्रदर्शन किया है, सरकारी मशीनरी को कोई क्षति पहुंचाई है, तो उनके नुकसान की भरपाई उन्हीं के द्वारा की गई है। अब मैं आता हूं बंगाल पर। बंगाल में आप, ये कोई नई बात नहीं है, ये आम बात हो चुकी है कि बंगाल में ना जाने भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता पहले मारे जा चुके हैं, ना जाने कितने कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है, लेकिन बंगाल की दीदी सरकार फिर भी नहीं चेती, क्योंकि चेतने का ये एक मेन कारण है कि उन्होंने इससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की पोक थी, जो पहले कम थी, आज बहुत बड़े एक पेड़ के रूप में, वटवृक्ष के रूप में उभर रही है, उसको उन्होंने इस तरीके से खत्म करने का बीड़ा जो उठाया है, वो लगातार इसी के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बड़े सोचने का विषय है कि बंगाल जैसे एक बड़े राज्य में, जो समीपवर्ती पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगता है, अगर लोकतंत्र में इस तरीके की अमर्यादित घटनाएं होंगी, जो लोग हैं जिनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं, जो अपनी यात्राएं कर रहे हैं, पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 3 दिन पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन क्यों हुए, किसकी वजह से हुए, किसके बयान पर हुए? मैं ये मान सकती हूँ कि कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाई ममता बनर्जी, क्योंकि वो इस तरह के प्रदर्शनों को रोक नहीं पा रही हैं और सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन यानी कि इस पूरी समस्या की जड़ पर भी तो नजर डालें ना सर आप। नूपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए कितनी त्वरित कार्रवाई की तेजी से, कि नूपुर शर्मा का बयान आया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्राथमिक सदस्यता तक से निलंबित कर दिया। हम नहीं चाहते किसी धर्म मजहब के खिलाफ कोई अशोभनीय टिप्पणी हो, ना हम उसके साथ थे, ना आज भी साथ है। हम सबको साथ और सब शर्म धर्मों को मानने वाले हैं और सबको साथ ले चलने का काम करते हैं। लेकिन आप बंगाल में देखिए, ये तो बंगाल में इनके लिए शर्मनाक घटना है कि कब से ये दंगा, इनकी सरकार जब से आई है, ममता दीदी की, आप बताइए कितने दंगे हुए, कितने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की हत्या हुई, और एक डर का माहौल पैदा करने का इन्होंने जो काम किया, वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इनके द्वारा किए गए कृत्यों की वजह से, जो भारतीय जनता पार्टी कभी वहां जीरो पर थी, यानी ना हमारा कोई विधानसभा में सदस्यता, ना वहां से लोकसभा में चुन के जाता था,
वहां हम 77 विधायक लगभग इस बार चुने गए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। और हम कहते हैं कि अगर ये तृणमूल कांग्रेस इसी आधार पर इसी तरीके से कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, आम लोगों की, जनमानस की अगर इसी तरह हत्याएं और इनमें जो शामिल है उनको बढ़ावा देने का काम करेगी, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट की तरह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनका भी यही काम था, इसलिए बंगाल की जनता ने इनको चुना और इन्होंने भी उसी की पुनरावृत्ति की है। तो ये समापन की ओर है और मैं ये वादा करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि बहुत जल्दी इन लोगों का अंत हो जाएगा जो इस तरीके के लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी संजय चक्रवर्ती जी। आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे थे कि बुलडोजर चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब ये जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, ये भरपाई कहां से करेंगे आप? बहुत खजाना है पश्चिम बंगाल के पास। देखिए, पहले तो मैं इनका कुछ चीजों पे बड़ा जवाब दे दूं, ये बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। पहली चीज जो है, ये हार्दिक पटेल जो देशद्रोही था, अचानक नहा करके बीजेपी में शामिल हो गया, गंगा नहाया और देशभक्त बन चुका। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में 5 साल तक कैबिनेट मंत्री थे, तुरंत से तुरंत क्या हो गए, वो इस समय देशभक्त आए, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो गई, उनके नौकरों पर ईडी की कार्रवाई हो गई। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात है, टेनिंग के ऊपर सब कार्रवाई होगी, टेनिंग जो गृह राज्य मंत्री बने हुए उनके ऊपर सब कार्रवाई होगी, ये पहले बताए। शुभेंदु अधिकारी शारदा कांड के प्रमुख अध्यक्ष, हमारे 4 MLA को जो है आप लोगों ने ईडी कार्रवाई से गिरफ्तार किया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को आज तक किसी भी तरीके का संबंध जारी नहीं किया। नहाए हुए हैं बीजेपी में, तो ये इनकी है चार चरित्र और चलन है। ये केवल और केवल जो बीजेपी में शामिल हो जाएगा वो राष्ट्रभक्त देशभक्त होगा, और जो बीजेपी से बाहर हो जाएगा वो देशद्रोही होगा। ये इनका चरण है, किसी भी तरीके काम विपक्ष को अभी आपने बताया कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना हमारा हक है, ये तानाशाही की हद को पार कर चुके हैं। अगर 2 राज्य के मुख्यमंत्री पर गिरफ्तार हो सकते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनकी तानाशाही नीति कहां पहुंच चुकी है। गिरफ्तार बिना परमिशन के करेंगे तो यही होगा। अब आपकी तरह अपील नहीं कर सकते ना उपद्रवियों से, कि अपील कर करके छोड़ दें कि मुझे मार दो लेकिन शांति बनाए रखो, ये अपील कैसे करें बताओ। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से क्वेश्चन सुन रहा था, उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 4 लोगों के साथ जाने दो, लेकिन पुलिस से नहीं जाने दिया। सिर्फ 4 लोगों ने कहा था। चलिए आप बंगाल पे आइए, आज के प्रदर्शन के बारे में मुझे चर्चा नहीं करनी है। नेशनल हेराल्ड केस से आपका कोई लेना देना नहीं है सर, या आपको बड़ी सिंपथी हो रही है तो बात अलग है। अभी छोड़िए, मैं तारा साहब की बात करो नीतू शर्मा से उतरने का निलंबित कर दिया गया। निलंबित कर दिया तो FIR हुआ, तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ये जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जवाब इनके लायक नहीं है। ये बोल नहीं सकते उसके बारे में कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करेंगे, कब करेंगे, किस दिन करेंगे। आपने पश्चिम बंगाल में जो 3 दिन में इतना उपद्रव मचाया है, कितने उपद्रवियों को गिरफ्तार किया मुझे आंकड़ा दें, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? ये हमारे यहाँ से लगभग 67 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 67 लोग गिरफ्तार। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार है? नहीं, बावजूद अभी हमारे यहाँ पे कानून अपने हाथ में नहीं ले जाता है, हम बुलडोजर वाली राजनीति नहीं करते हैं। अगर यही होती है तो पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बुलडोजर चल चुका है, लेकिन हिंसा आज तक रुकी नहीं है, अभी भी हो रही है। पिछले हफ्ते कानपुर में 3 जून को हुई, 10 जून को 6 शहरों में हो गई। अगर बुलडोजर की राजनीति से ही काम चलना होता, न्यायपालिका की जरूरत क्या है? बंद कर दे न्यायपालिका को। ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं संजय जी, आप ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं। आज उन्होंने भी यही बयान दिया है कि अदालतों को ताला लगा दो, ओवैसी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? ओवैसी भाषा की दो टीम है, ये ध्यान रखिएगा। ओवैसी की जितने भी चीज है, ओवैसी सिर्फ और सिर्फ भाजपा की दो टीम है, वो भड़काने का काम करते हैं। मैं ओवैसी की बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करता, मैं उसके बिल्कुल जो है भाव नहीं देता, लेकिन ये बात आपको भी मानना पड़ेगा। अगर किसी हमें मानता हूँ किसी ने दंगा, किसी ने दंगा किया है, किसी ने पत्थर फेंका है, किसी ने मर्डर किया है, अंग्रेज किया है, तो आप इसे पूरे परिवार को, पूरे खानदान को सजा देने का हक नहीं है।
आप उसके बच्चे का, उसके बीवी का, उसके माँ बाप का आप घर नहीं चले सकते। ये गलत है और गलत चीज का हमेशा विरोध होगा। चलिए ठीक है राजकुमार जी, मैं आपका रुख करूंगी। ठीक है ठीक है, संजय जी थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ आपको। राजकुमार जी आपका रुख करेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। राजकुमार जी आपका रुख करेंगे, बताइए आप अपनी बात जारी रखिए। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि बुलडोजर, बुलडोजर से काहे का दर्द है। अगर बुलडोजर चल रही है तो किस पर चल रही है? बुलडोजर अपराधियों पर चल रही है, बुलडोजर गुंडों पर चल रही है, बुलडोजर उन प्रतिष्ठानों को ढहा रही है जो सरकारी ग्राम जमीनों पर कब्जे करके बनाए गए हैं। तो बुलडोजर से तो दर्द होने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात, बुलडोजर से एक और फायदा है मैं बता दूं। कल तक हमारे पुलिस के मध्य प्रदेश के खंडवा का, मध्य प्रदेश के खंडवा का उदाहरण लेकर बैठा हुआ है विपक्ष कि वहां पर किस तरीके से एक निर्दोष के घर पर आपने बुलडोजर चला दिया। वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ था, वो ले देकर एक एग्जाम्पल है जो बार बार आपके ऊपर उछाला जाता है। वो कीचड़ की तरह हो गया अब आपके लिए कि वो उछलेगा ही आप पर। पहले मेरी सुनिएगा, तो मैं एक चीज और कह रहा था बीच संजय जी, प्रशासनिक अफसर जो घरों की क्षेत्रों की खाक छानते थे, आज वही अपराधी गुंडे माफिया अगर उनको पता पड़ जाए कि बुलडोजर चलने आ रहा है तो थाने में पहुंचकर सरेंडर कर देते, कहते हैं हमको माफ करिएगा, हम आपके साथ खुद आ गए। नहीं सुनिए, हम खुद कानून के लिए समर्पण कर रहे हैं। तो बुलडोजर से आपको नहीं घबराना चाहिए, बुलडोजर से वो घबरा रहे हैं जो अपराधी है, माफिया है, गुंडे। अब मैं बंगाल पर आना चाहता हूँ। बंगाल में आप कब से प्रशासन का आप साथ दे रहे हैं? मैं तो ये मानता नहीं, क्योंकि प्रशासन को आप अगर पूरी बोले एक लोकतांत्रिक छूट दे दे तो किसकी हिम्मत है कि बंगाल के अंदर पत्ता हिल जाए? आप अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर चाबुक रख रहे हैं और वो मजबूर हो गए आपकी सरकार के कारण पूरी तरीके से आजाद नहीं है, कार्रवाई नहीं कर पा रहे अपराधियों को संरक्षण मिला। बोल लेना, पहले सुनिए। तो वो पूरी तरीके से हावी हो गए। बंगाल में लोकतंत्र है कहाँ, आप बताइए। पिछले चुनावों की आप घटनाओं को ले लो, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, सबको पता है क्या हाल है वहाँ बंगाल में, क्या लोकतंत्र जिंदा है? आप वोट डालने जा रहे हो, आपके कार्यकर्ताओं को पता पड़ गया ये भाजपा समर्थित है, न जाने हमारे कितने बूथ अध्यक्षों की हत्या कर दी गई, तो कहाँ लोकतंत्र आपने बचा कर रखा है? आप बताइए, आपके अपनी सरकार में कल ही नदिया में और हापड़ा में लोकल ट्रेनों में आग लगा दी जाती है, ये काहे का लोकतंत्र है? अरे भाई, प्रशासन पर उम्मीद रखिए, कानून पर भरोसा रखिए, और कानून पर भरोसा रखोगे तो ये देश का लोकतंत्र है। वो जो आप लोग कहते हो कि भाजपा खत्म कर रही है, भाजपा खत्म नहीं, उसको मजबूत करने का काम कर रही है, वो बचा रहेगा। क्यों बचा रहेगा? कि आप ही लोग उसको खत्म करना चाहते हो, और भाजपा अकेली पार्टी है जो एक रण क्षेत्र में एक कुब्बत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी दलों से लड़ने का काम कर रही है। और जब आप लोग भाजपा से परास्त होते हो तो सारे एक महिमा मंडल के रूप में इकट्ठे हो जाते हो, ये थोड़ा ही है। अब आप एक बार बताइए कि वो चाहे बुलडोजर चले, चाहे देश के उग्रवादियों पर, जिनको हुआ अपराधियों पर कार्रवाई हो, आपको दर्द क्यों होता है? ये तो अच्छी बात है, आपको सोचना चाहिए बंगाल के बारे में कि वहां पर कितना आप प्रशासन, मैं तो प्रशासन को खतरे में समझूंगा, आप प्रशासन पर भी आगाजनी हो रही है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं आज मैं देख रहा था न्यूज में, तो आप उसके बारे में सोचिए कि बंगाल की जनता का विश्वास प्रशासन पर बने रहे। राजनीतिक पार्टियां तो आती जाती रहती है, कोई स्थायी नहीं है, लेकिन बंगाल की जनता का वहां के कानून पर विश्वास बना रहे, ये बहुत जरूरी है। चलिए बताइए संजय जी। तो शायद मैं याद दिला दूं कि ममता बनर्जी तीसरी बार वहां पे मुख्यमंत्री बनी है, पहली बार 185 सीट पे, दूसरी बार 211 सीट पे, और इस समय 220 सीट पे हमें हैं। हम लगातार जीते रहे हैं और लोकप्रिय हैं, और आपके कहने से जो है हमारे प्रशासन, मैं सिर्फ आपके बस शुभेंदु अधिकारी की बात पूछ रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी पे आज तक कार्रवाई आप लोगों ने क्यों नहीं करवाई? क्यों क्या वो गंगा जल से नहा चुके हैं इसलिए, वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं इसलिए,
आप उसका जवाब नहीं देंगे। आप बुलडोजर की, मैं फिर वो आता बुलडोजर की राजनीति पे, अगर किसी ने पत्थर फेंका, मर्डर किया, आगजनी की, हत्या किया, कुछ भी किया है, आप उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते, पूरे खानदान को सजा नहीं दे सकते। जिसने किया आप उसको सजा दो, उसको मारो, उसको गिरफ्तार करो और न्यायालय में पेश करो, लेकिन आप उसका घर गिरा देते हो। आप कहते हो कि अचानक 24 घंटे के अंदर वो अवैध हो जाता है, सालों साल से अवैध नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि इसने पत्थरबाजी की, वो तुरंत अवैध हो जाता है, तुरंत उसका मकान गिरा दिया जाता है। ये कौन सी कार्रवाई है, किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, ये कौन सा आप नया लागू करें, क्या सोचते हैं आप, जिंदगी भर आपकी सत्ता रहेगी? अरे जिस दिन आपकी सत्ता जाएगी तो इसका भुगतना आपको पड़ेगा। आप लोग भाईचारा खत्म कर रहे हैं, भाईचारा खत्म मत करिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप नफरत की राजनीति खत्म करिए, कम से कम इतना करिए कि जिसने दोष किया है उस दोषी को सजा दिया जाए। न्यायपालिका को खत्म मत करिए, आप न्यायपालिका को खत्म कर रहे हैं, आप न्यायपालिका खुद अपने हाथ में ले रहे हैं, तो ये काम मत करिए। ठीक है सर, एक बात बताएं संजय जी, आपके इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आप जो बोल रहे हैं हर बात से मैं सहमत हूँ, ये तीन दिन छोड़कर चुनावों के समय से जो बंगाल जल रहा है उसमें किसकी गलती थी? वहां तो कोई नूपुर शर्मा नहीं थी, वहां तो किसी का बयान नहीं था, वहां पर क्यों इस तरह की चीजें हुई? आए दिन कभी देसी बम मिल रहे हैं, कभी क्या मिल रहा है, कभी क्या मिल रहा है, कहीं कहाँ आगजनी कर दी जा रही है, कभी किसके यहाँ लूट हो रही है, कभी किसके साथ रेप हो रहा है, ये नहीं हो रहा है क्या पश्चिम बंगाल में? या बिल्कुल इंसान नहीं है? कह दीजिए कि हाईकोर्ट से भी आपको फटकार नहीं लगी थी, बोल दीजिए, ये भी इनकार कर दीजिए। आप अपनी कमियां कहाँ सुधार पाए चक्रवर्ती साहब? पहले तो ये बताइए कि हाईकोर्ट से ये बोल रहे हैं कि राजनीति से जो हाईकोर्ट से लगी है, जिसकी जिसकी वसूली जो है अवैध वसूली की गई है, हाईकोर्ट से पटकार याद लगी है। और जब चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव के समय कानून व्यवस्था इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में होता है, ममता दीदी के हाथ में था, और उसके बाद भी बता रहे थे, उसके बाद कोई भी किसी तरह की ऐसी घटना हुई नहीं। 5 मई के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई, सीबीआई तक को आना पड़ रहा है, आप जाकर देखिए जरा कितने मामले दर्ज हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि उसके बाद कोई घटना नहीं हुई, पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं ये आंकड़ा। कानून व्यवस्था संभालिए। चलिए समय की कमी है राजकुमार जी, समय की कमी है, आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी मैं सर। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।